हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। ये लेट जगत की पहली सुबह, फॉगी सुबह है। देखिए होम स्टेशन। आ गए रॉक गार्डन। अभी रॉक गार्डन देखना है। इससे पहले दो तीन बार मैं तीन बार दार्जिलिंग आया था, लेकिन ये जो गंगा मैया बोलिए, रॉक गार्डन बोलिए, तभी तो मैं घूमा नहीं था। जो इस बार मैं घूम रहा हूँ। फिलहाल तो अभी एकदम उधर सही है, धूप भी है, अब देख पा रहे हो। फॉगी उधर भी एकदम ही नहीं है। जो फॉग हम लोग को मिला ना, मतलब क्या बोले, बहुत जगह फॉग के कारण हम लोग नहीं देख पाए, जो बहुत देखने का जो चीज़ था। यस, तो यही है रॉक गार्डन। चलिए वहाँ उस तरफ से नीचे उतरते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एक पोल, मतलब हावड़ा ब्रिज के जैसा किया है। सो अभी हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, रॉक गार्डन में, मैंने ऊपर वाला में, नीचे वाले में तो टिकट नहीं चाहिए, लेकिन ऊपर वाला में आप अंदर जाने के लिए आपको टिकट करना पड़ेगा। एडल्ट है 20 रुपया करके और चाइल्ड है 10 रुपया। तो टोटल हम लोग 3 आए हैं, मेरा बीबी आया नहीं है, वहाँ बैठा है, और मेरी बेटी, मिला के 70 रुपया। अभी देखो मेरा बेटी को देखो, हाथी एक जो बना हुआ है उसके साथ खेल रहा है। हम लोग ऊपर जा सकते हैं, आपको शायद दिखाई दे कि पता नहीं, और भी ऊपर तक है ये गार्डन। और यहाँ पे आप जो होता है ना, यहाँ का जो स्पेशल बोलिए, या यहाँ का जो लोकल जो ड्रेस है, जैसे लोग पहन रहे हैं, या आप सब ये ड्रेस पहन के आप फोटो भी खींच सकते हैं। आपको 50 रुपया करके इसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। इस ये लोकल ड्रेस पहन के फोटो खींचेगा क्यों? बीबी नहीं, ओ बीबी, अच्छा बीबी नहीं है बोल के बोल रहा है, लेकिन आदमी वो बात नहीं है, तो उसको पता है ये फोटो बोलिए वीडियो बोलिए तो मैं डाल दूंगा, तो उसका बीबी देखेगा, देखने के बाद तो ठीक है, लग जाएगी। ऊपर चढ़ते चढ़ते सांस फूल जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा भी बैठते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, दो तीन मिनट के लिए यहाँ पे थोड़ा भी बैठ जाएंगे।
फिर चलेंगे। अरे बस ये क्या है भाई? चल 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 दीपेशा, दीपेशा आए, मंदिर है भाई, ये एक मंदिर है। और अंदर नहीं जा रहा क्योंकि हम लोग सूट पहन के, तो हम लोग नहीं जा रहे। देखिए और भी कितना ऊपर है, हम लोग भी एकदम ही नीचे से यहाँ आए। और पहले हम लोग गए थे एकदम नीचे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ऐसे सीधा हम लोग है, फिर उतना दूर भी है। और एक बार ऊपर से सही से एक बार देखिए नीचे का जो व्यू और पूरा रॉक गार्डन। सो और नहीं उठ पा रहे, ठीक है, तो अभी हम लोग नीचे उतर रहा है और नहीं हो रहा है, और ऊपर नहीं जाना है। दीपेश तुमको जाना है? नहीं। क्यों? तो अभी हम लोग चाहते हैं नीचे, क्योंकि हाँ। हम लोग को तो टी गार्डन भी जाना है, तो टी गार्डन में रोशनी नहीं होगा तो समस्या है, तो जाकर फायदा है नहीं। और ऐसे है, सही बात, पूरा फॉग है, फिर से फॉग स्टार्ट हो गया है। मतलब हम लोग जो आए हैं एक ही चीज़ चल रहा है, सिर्फ फॉग ही चल रहा है और कुछ नहीं। और बाकी हम लोग तो चल ही रहे, इसके बाद भी चल रहा है, हम लोग चल रहे हैं और फॉग चल रहा तो चलिए नीचे जाते हैं। मेरा बीबी वो एकदम नीचे बैठा है यहाँ पे, तो चलिए टाइम बर्बाद करके फायदा नहीं। अभी हम लोग जाएंगे टी गार्डन देखेंगे, और लाइट रहे तो ड्रोन को फ्लाई करेंगे, लेकिन फॉग और नहीं हो तो। ये है टी गार्डन, देखिए टी गार्डन, देखिए टी, देखिए ये सब टी है। इन लोग का नाजुक हाथ से लगता है। हाँ हाँ, क्या बोला बोल? मतलब एक्चुअली टी गार्डन में जब अभी पढ़े थे हाँ, कि मतलब जनरली यहाँ पे महिला लोग को इसलिए क्योंकि उसकी मतलब सॉफ्टनेस की जरूरत पड़ती है टी गार्डन में हाँ, इसलिए अधिकांशतः महिलाएं लोग रहती हैं टी गार्डन की खेती में। सही बात बोला है दीपेश, कितना एक्सपीरियंस है दीपेश। उस तरफ है दार्जिलिंग सिटी, अभी जैसे इतना अच्छा दिख रहा है, यही व्यू देखने के लिए आए लेकिन नहीं देख पा रहे, हर जगह पे फॉग ही फॉग है और कुछ नहीं। हल्का थोड़ा हो रहा, फिर भी कोशिश कर रहे, थोड़ा वेट करेंगे, 5-10 मिनट वेट करेंगे, अगर ये फॉग हट जाता है तो जरूर फ्लाई करेंगे, क्योंकि मतलब उतना ज्यादा एक्सपीरियंस मेरा हुआ नहीं है। ऐसा ना हो जो फ्लाई तो किया, अचानक से फॉग आ चुका है, आ गया फॉग के, फॉग के अंदर ड्रोन चला गया, तो ये तो होना नहीं चाहिए। तो 5-10 मिनट रुकते हैं, देखते हैं।
तो दोस्तों ये लेके मेरा तीन बार मैं ये लेके ड्रोन को फ्लाई किया हूँ। पता नहीं आपको कितना अच्छा लगा हुआ होगा, क्योंकि आदत नहीं है, नया लिया है, अभी ज़्यादा प्रैक्टिस भी किया नहीं है, फिर भी जितना भी हो सके दिखाने के लिए कोशिश किया हूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे मेरा ड्रोन शॉट तो कमेंट सेक्शन में जाके थोड़ा कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल तो अभी हम लोग टी गार्डन से निकल के जाएंगे अभी सीधा मेल पे। दो तीनों जगह हम लोग घूमे, पहले गए थे गंगा मैया, उसके बाद गए थे रॉक गार्डन, तो उसके बाद आए थे टी गार्डन, बहुत सारा फोटो खींचा है। अगर आपको ये फोटो सब देखना है तो मेरा इंस्टाग्राम जो आईडी है ड्रीम मोटर स्पोर्ट, मेरा जो फेसबुक पेज है ड्रीम मोटर स्पोर्ट, और मेरा जो फेसबुक है रिटर्न गाड़ा फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे सब कुछ अपडेट आपको ऐसे ही मिल जाएगा, मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से क्या मतलब राइड कर रहा हूँ या ट्रैवल कर रहा हूँ। चलिए आगे मिलते हैं। सब्सक्राइब आप सिर्फ आपका प्यार बरसाते जाइए लोगों को, मैं और भी अच्छा अच्छा नजारा और भी अच्छा अच्छा ऑफबीट प्लेस बोलिए और भी अच्छा अच्छा जगह हम लोग घूमेंगे, आप लोगों तक पहुँचाएंगे। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं। मेरे बेटी को देखो क्या करते हैं, चलो चलो। ये है दार्जिलिंग स्टेशन, टॉय ट्रेन तो यहाँ पे खड़ा है। एक्चुअली ये ट्रेन मतलब टॉय ट्रेन हम लोग नहीं चढ़ पाएंगे, मौका नदी में तो आज नहीं है, ये 4 बजे तक लास्ट टॉय ट्रेन चढ़ते हैं, चलते हैं तो देखते हैं कल क्या करते हैं। सो अभी हम लोग जा रहे हैं महल की तरफ। और स्ट्रीट फूड सब कुछ अवेलेबल है, क्या चाहिए आपको दार्जिलिंग में, सब कुछ मिलेगा। अभी हम लोग आ गए दार्जिलिंग मॉल में, मॉल मार्केट है, ये मॉल मार्केट है। और ये पूरा देखिए जितना भी टूरिस्ट आते हैं दार्जिलिंग में, सब ये इस जगह पे आकर बैठते हैं, एंजॉय करते हैं व्यू को। हाँ क्या बोल रहे हैं, हाँ वो जा रहा है, तो यही है। तू कुछ बोलना चाहेगा? मैं दार्जिलिंग पहली बार आया हूँ, मतलब बहुत ही अच्छा प्लेस है, मतलब देखा जाए तो हिंदुस्तान की वादियों में से एक अच्छी, बहुत अच्छी वादियाँ हैं दार्जिलिंग, जो हमारी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की, बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो आप मैं चाहता हूँ आप इंडिया के किसी भी कोने से एक बार दार्जिलिंग आकर के इस जगह की आप व्यू ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छा वेदर है आपके
बहुत मार्केट वगैरह में पुलिस लोग आए हुए हैं और हमारे साथ आपके सही से ड्रीम मोटर्सपोर्ट्स लाइक कीजिए शेयर कीजिए। अभी हम लोग यहाँ पे हैं, अभी एंजॉय करेंगे। तो अभी हम लोग पी रहे हैं टी, तो शाम के टाइम में तो टी पीना जरूरी है। और तो ठंड भी है, जो हवा चल रहा है ना उसमें अभी ज्यादा ठंड रहती है। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए होटल में। हम लोग होटल में आए, कितना टाइम हो गया, 8:30 तक हम लोग होटल में आ गए। हम लोग आज बहुत एंजॉय किए, तो ऑलरेडी आप देख चुके हो। लास्ट में हम लोग शॉपिंग भी की है, ठीक है। कल हम लोग जाएंगे आपका ये दार्जिलिंग से जाएंगे सीटोंग, तो वो भी और एक एडवेंचर राइड कल भी होगा, ठीक है। तो चलिए ये डे 3 को आज यहाँ पे एंड करते हैं, कल डे 4 लेके आते हैं। तो तब तक के लिए स्टे सेफ राइड, गुड नाइट, चटड़ा। यहाँ पे भी स्टेशन है, वो नीचे से दार्जिलिंग से जो ट्रेन आ रहा है टॉय ट्रेन, और कहाँ फिर बतासे लूप के यहाँ से भी जाकर बस करता है।